हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी हब। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं रेनन क्लेसी फैमिली। जो रेनन क्लेसी फैमिली है स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपके टोटल 35 जेनरा हैं, ठीक है। 35 जेनरा हैं और 35 जेनरा के अंदर आपकी अराउंड 1500 स्पीसीज प्रेजेंट हैं, ठीक है। 1500 स्पीसीज के अराउंड, या फिर आप ये कह सकते हो 2000 स्पीसीज के अराउंड आपकी स्पीसीज प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो जो फैमिली इसके अंदर, जिस आपकी जो 1500 से 2000 तक स्पीसीज जो प्रेजेंट हैं, दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर, मींस एवरीवेयर, ठीक है। हर एक रीजन के अंदर मिलेंगी, लेकिन जो फ्लावरिंग है, ठीक है, फ्लावरिंग स्टेज इनके अंदर टेम्परेट रीजन में मिलती है, ठीक है। टेम्परेट रीजन के अंदर, टेम्परेट रीजन अगर आप ले रहे हो तो वहाँ पे फ्लावरिंग जो स्टेज है वो इनके अंदर आप देख सकते हो, ठीक है। फ्लावरिंग जो आपका ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन के अंदर ये ग्रो कर जाती है, लेकिन रेयरली फ्लावरिंग नहीं होती उनके अंदर। अगर ग्रो करती हैं तो भी फ्लावरिंग एब्सेंट होती है, ठीक है। अगर आप इंडिया के अंदर ले रहे हो, ठीक है, तो इंडिया के अंदर जैसे आपका रेनन्कुलस है, रेनन्कुलस डेल्फिनियम है, डेल्फिनियम है, इसके अलावा आपका निगेला है, ठीक है, एनिमोन है। तो ये कुछ कॉमन स्पीसीज हैं जो इंडिया के अंदर मिलती हैं। इसके अलावा क्लेमेटिस है, कोप्टिस है, कैल्था है, एडोनिस है, ये भी इंडिया के अंदर स्पीसीज मिलती है, ठीक है। तो इसके बाद हम जो है इसके बारे में स्टडी करेंगे, जनरल वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जनरल वेजिटेटिव करेक्टर्स। तो अगर आप जनरल वेजिटेटिव करेक्टर्स की बात करें, तो जैसे ये बताया कि 35 जेनरा इसके अंदर और 1500 स्पीसीज इसके अंदर प्रेजेंट हैं। तो जो प्लांट होंगे दैट आर हर्ब्स, ठीक है, वाइन्स, पेरेनियल एज वेल एज एनुअल, ठीक है। जो प्लांट है वो हर्बेशियस फॉर्म में होंगे, वाइन की फॉर्म में हो सकते हैं, यानी कि जो क्रीपर्स या फिर आपकी जैसे बेल जिसको आप बोलते हो, उस तरह से क्रीपर्स की फॉर्म में हो सकते हैं। पेरेनियल या एनुअल हर्ब होंगे, ठीक है। कुछ स्पीसीज है जो हाइड्रोफिटिक कंडीशन में या हाइड्रोफाइट की फॉर्म में मिलती है, यानी कि वाटर लविंग प्लांट है, ठीक है, वाटर के अंदर ग्रो करते हैं। जैसे रेनन्कुलस एक्वेटिलिस जो स्पीसीज है वो वाटर के अंदर ग्रो करती है, ठीक है। और आपकी रेयरली ट्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपकी प्योनिया है, प्योनिया जो स्पीसीज है रेनन्कुलेसी फैमिली से, वो ट्री की फॉर्म में मिलती हैं आपको, ठीक है। तो जो आपका प्लांट है, प्लांट बॉडी दैट इज डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, ठीक है। थ्री पोर्शन के अंदर आपका जो प्लांट बॉडी है वो डिवाइडेड होती है। तो जो रूट है इसके अंदर टेप रूट प्रेजेंट होती है, या फिर एडवेंटेशियस रूट प्रेजेंट होती है, ठीक है। टेप रूट या फिर एडवेंटेशियस रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है। प्राइमरी जो रूट है वो जैसे कुछ ही टाइम के बाद एडवेंटेशियस रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। कुछ फॉर्म है जैसे एकोनिटम जो आपके स्पीसीज है, उसके अंदर जो रूट है वो स्टोरेज करती हैं फूड मटेरियल को स्टोर करती हैं, तो स्टोरेज रूट उनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। या फिर रेनन्कुलस में आप ले रहे हो तो उसमें भी आपकी स्टोरेज रूट प्रेजेंट होती है। तो मेनली आपकी प्राइमरी और टेप रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है, लेकिन वो एडवेंटेशियस या फिर स्टोरेज रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। जो सेकेंड पोर्शन है आपका स्टेम, तो जो स्टेम है वो बताया कि जैसे कि हर्बेशियस हर्ब की फॉर्म में आपके प्लांट मिलते हैं, तो हर्बेशियस फॉर्म में आपका स्टेम होगा, ठीक है, तो इरेक्ट होगा। या फिर अगर वाइन की फॉर्म में है प्लांट, तो उस टाइम पे आपका जो स्टेम है वो क्लाइंबर की फॉर्म में होगा, क्लाइंबिंग स्टेम, ठीक है।
जो ब्रांचिंग है वो प्रेजेंट होगी इसके अंदर, और जो ब्रांचेज या स्टेम आप जो मेन स्टेम ले रहे हो उस पर स्मॉल अपेंडिजेज, हेयर लाइक अपेंडिजेज प्रेजेंट होती है, हेयरी स्टेम, जैसे जो एनिमोन ले रहे हो उसके अंदर आपके हेयर्स प्रेजेंट होते हैं स्टेम पे। जो लीव्स हैं वो सिंपल होते हैं, सिंपल लीव्स इनके अंदर प्रेजेंट होंगे। कभी कभार या कुछ स्पीशीज जो हैं उसके उनके अंदर आप सॉरी पालमेट पालमेट कंपाउंड लीफ प्रेजेंट हैं, लेकिन जो पिनेट कंपाउंड लीफ हैं वो रेयरली प्रेजेंट होते हैं। पालमेट कंपाउंड लीफ फिर भी आपको कुछ स्पीशीज के अंदर मिल जाते हैं, ठीक है। जो हाइड्रोफिटिक स्पीशीज हैं प्लांट के अंदर ग्रो करती हैं, तो अंडर द वाटर सरफेस जो भी होंगे उनके अंदर जो लीव्स हैं उनकी मार्जिन के अंदर इनसीजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल आपकी स्पीसीज हैं उनमें जो मार्जिन है लीव्स की वो स्मूथ होगी, कंप्लीट होगी, तो सिंपल होंगे। अल्टरनेट इनके अंदर अरेंजमेंट होता है लीव्स का, ठीक है। जो अरेंजमेंट है वो स्टेम और ब्रांचेस पे अल्टरनेट अरेंजमेंट होगा, ठीक है, अल्टरनेटिवली अरेंज होंगे, ओके। या फिर ये कह सकते हो जैसे जो फाइलोटैक्सी है वो अल्टरनेट, या फिर आपकी सेकेंड टाइप होती है अपोजिट, अल्टरनेट और अपोजिट, ये दो टाइप आपकी मिलेंगी। जो वेनिशन है, वेन और वेनलेट्स की अरेंजमेंट है वो यूनिकोस्टेट और मल्टीकोस्टेट दोनों ही टाइप मिलती हैं, ठीक है। रेटिकुलेट में यूनिकोस्टेट और मल्टीकोस्टेट टाइप वेनिशन प्रेजेंट होगी। देन आफ्टर दिस वी स्टडी अबाउट द फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्लोरल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो फ्लोरल कैरेक्टर्स में अगर आप फ्लावर देखते हो तो फ्लावर से पहले हम देखते हैं कि जो फ्लावर है उसके अरेंजमेंट किस तरह की है, इट मींस इनफ्लोरेसेंस क्या है, ठीक है। तो इनके अंदर जो इनफ्लोरेसेंस है वो साइम टाइप होती है, ठीक है, साइम इनफ्लोरेसेंस, ठीक है, साइम इनफ्लोरेसेंस इनके अंदर प्रेजेंट होती है। कभी कभी सोलिटरी टर्मिनल या सोलिटरी एक्सिलरी भी आपको मिल जाएगी। जो फ्लावर होगा वो मोस्टली एक्टिनोमोर्फिक, ठीक है, मोस्टली एक्टिनोमोर्फिक या फिर रेयरली जाइगोमोर्फिक टाइप मिलेंगे। कंप्लीट होगा फ्लावर, ठीक है, कंप्लीट फ्लावर होगा और हर्माफेरोडाइट यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही पोर्शन होंगे। कंप्लीट का मतलब होता है जिसमें फोर वॉल हो आपके, ओके। पेडिसिलेटेड होंगे जो फ्लावर है उनके नीचे आपके स्टोक स्ट्रक्चर, ठीक है, पेडिसिल प्रेजेंट होगा, तो पेडिसिलेट फ्लावर होगा। ई ब्रैक्टेट होंगे यानी कि ब्रैक्ट जो है वो अपसेंट होंगी, ई ब्रैक्टेट होंगे, रेयरली ब्रैक्ट्स आर प्रेजेंट। हाइपोगाइनस कंडीशन होगी, फ्लावर जो है वो हाइपोगाइनस होगा, इट मींस ओवरी जो होगी वो सुपीरियर होगी फ्लावर के अंदर, ओके। आफ्टर दिस वी टेक वन बाय वन फ्लोरल पार्ट्स। सो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे पेरियंथ, क्योंकि जो आपके ये है रेनन्क्युलेसी फैमिली है इसके अंदर जो डिस्टिंग्विश नहीं हो पाता कि कौन सी आपकी कैलेक्स है कौन सी कोरोला है, क्योंकि कैलेक्स जो होती हैं जैसे जनरली उनका ग्रीन कलर होता है, लेकिन रेनन्क्युलेसी फैमिली में अगर आप देखेंगे तो पेटलोइड टाइप यानी कि जो पेटल्स का कलर है वही आपकी सेपल्स का कलर होता है, तो ज़्यादा डिस्टिंक्शन नहीं हो पाता, तो उसी वजह से हम यहाँ पेरियंथ काउंट करते हैं। तो जो पेरियंथ है उसके अंदर जैसे आप सिंपल जो ट्रम लेते हो, स्मॉल यूनिट लेते हो, दैट इज टेपल, ठीक है, टेपल्स, तो जो टेपल्स हैं वो 4 to 5 नंबर के अंदर होंगी, ठीक है, मोस्टली पोली टेपलेस कंडीशन होगी, ठीक है, पोली टेपलेस यानी कि फ्री होंगी टेपल्स, चाहे आप सेपल्स ले रहे हो या पेटल्स ले रहे हो वो फ्री कंडीशन में मिलेंगी, ठीक है। लेकिन जैसे डेल्फिनियम अगर आप ले रहे हो या एकोनीटम ले रहे हो तो उनके अंदर स्पर की फॉर्मेशन करती है, लोअर साइड से जैसे ज्वाइंट होंगी, अपर साइड से जो कॉर्नर्स हैं वो थोड़े से फ्री होते हैं, तो स्पर फॉर्मेशन करती हैं इनके अंदर। बाकी जो भी आपके एग्जांपल होंगे उन सब में पॉलीसेपलस या पॉलीपेटलस कंडीशन में आपकी प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो अरेंजमेंट है
सेपल्स की और पेटल्स की। यहाँ पेरियंथ आप ले रहे हो तो पेरियंथ में टेपल्स होती हैं, ठीक है, तो उनकी अगर आप अरेंजमेंट लोगे तो इम्ब्रिकेट, ठीक है, इम्ब्रिकेट या फिर आपकी जो क्विनक्विंशियल, ठीक है, क्विनक्विंशियल टाइप आपकी अरेंजमेंट होगी। ओके, देन जैसे फ्लावर में बताया था कि जो फ्लावर है वो हाइपोगाइनस होता है, इट मींस जो टेपल्स हैं या सेपल्स पेटल्स जो आप ले रहे हो दैट आर इन्फीरियर, ठीक है, इन्फीरियर पोर्शन प्रेजेंट होंगे। जो ओवरी है उसके अलावा आपके जो थ्री वॉल होंगे वो इन्फीरियर होंगे। देन मेल जो पोर्शन है एंड्रोशियम, सेपल पेटल के बाद आप स्टडी करते हो एंड्रोशियम, ठीक है, तो जो एंड्रोशियम आप लोगे ये सॉरी एंड्रोशियम, ठीक है, तो जो एंड्रोशियम है इसमें आपके न्यूमेरियस नंबर में यानी कि इनफाइनाइट नंबर में स्टैमंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर में स्टैमंस प्रेजेंट होंगे, पोली एंड्रस कंडीशन होगी, पोली एंड्रस, ठीक है, पोली एंड्रस का मतलब होता है जिसमें नंबर मतलब जो नंबर ऑफ स्टैमंस है या जितना भी नंबर स्टैमंस का प्रेजेंट हो वो सारे फ्री हैं, एक दूसरे से कहीं से भी अटैच फॉर्म में ना हो। ओके, तो पोली एंड्रस कंडीशन होगी, और जो थैलेमस है उसके चारों तरफ स्पाइरल अरेंजमेंट होगी, स्पाइरल अरेंजमेंट, ठीक है, स्पाइरल अरेंजमेंट होगी, और सेंटर के अंदर आपका क्या होगा, थैलस होगा, ठीक है। जो एंथर है उसकी अगर फिक्सेशन पोजीशन देखें तो एडिनेट टाइप फिक्सेशन होगी, ठीक है, इन्फीरियर होंगे, और जो एंथर होंगे एंथर लोब्स, तो एंथर लोब्स की अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो डाई थीकस कंडीशन में होंगे, डाई थीकस, ठीक है, एक्सट्रोज, एक्सट्रोज ओपनिंग होगी, यानी कि जो लोब्स स्ट्रक्चर है वो आपकी पेरिफेरी की तरफ होंगे, ठीक है। आफ्टर दिस वी स्टडी अबाउट द गाइनोशियम, तो जो गाइनोशियम है इनके अंदर आपकी पॉलीकार्पलरी, पॉलीकार्पलरी कंडीशन होती है, ठीक है, जो कार्पल्स हैं उनका नंबर भी इनफाइनाइट होता है, मतलब नंबर ऑफ कार्पल्स आर प्रेजेंट, लेकिन जो डेल्फिनियम है या एक्टिया है इनके अंदर सिंगल कार्पल आपका प्रेजेंट होता है, पॉलीकार्पलरी, या फिर आप बोल सकते हो एपोकार्पस कंडीशन, एपोकार्पस कंडीशन, ठीक है, पॉलीकार्पलरी मतलब नंबर ऑफ कार्पल्स होंगे फ्री होंगे एपोकार्पस, या फिर अगर आप निगेला कलोंजी जिसको बोलते हैं उसके अंदर ले रहे हो तो उसमें सिनकार्पस फ्यूज्ड फॉर्म में आपकी कार्पल्स मिलती हैं। जो ओवरी है वो सुपीरियर होगी क्योंकि बाकी थ्री वॉल आपके इन्फीरियर आ रहे हैं, सो ओवरी सुपीरियर होगी। जो प्लेसेंटेशन है वो मार्जिनल होगी, ठीक है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन होगी, यानी प्लेसेंटेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें आपकी बताते हो कि ओव्यूल है वो ओवरी के अंदर अटैच किस तरह से है, तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन में अरेंजमेंट होती है। लेकिन अगर निगेला में लेते हो तो वहाँ पे एक्साइल प्लेसेंटेशन होती है, और अगर आप रेनानक्लस में लोगे तो वहाँ पे आपकी बेसल अरेंजमेंट, बेसल अटैचमेंट प्लेसेंटेशन होती है, ठीक है। तो मार्जिनल के अलावा आपकी एक्साइल या फिर बेसल भी प्रेजेंट हो सकती है प्लेसेंटेशन। ओके, सो दिस इज अबाउट द गाइनोशियम। देन इफ यू टॉक अबाउट द फ्रूट, तो जो फ्रूट है इनके अंदर आपकी जैसे फर्स्ट तो जो पोलिनेशन है वो एंटेमोफिलस टाइप होता है, यानी कि इंसेक्ट के थ्रू होता है, ठीक है, तो जो फ्रूट फॉर्मेशन होगी दैट आर इटेरियो ऑफ अकेन, अकेन्स बंच आप बोल सकते हो, यानी कि गुच्छे में, इटेरियो का मतलब होता है गुच्छा, ग्रुप में प्रेजेंट होता होना, तो एटेरियो ऑफ अकेन प्रेजेंट होते हैं, या फिर कभी कभी आपके कैप्सुलर टाइप, कैप्सूल टाइप भी फ्रूट प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे निगेला के अंदर अगर ले रहे हो आप, ठीक है। एकोनिटम के अंदर अगर आप लोगे तो फोलिकल, इटेरियो ऑफ फोलिकल प्रेजेंट होते हैं, फोलिकल जो फ्रूट है उनका एक ग्रुप प्रेजेंट होता है। ओके, देन आफ्टर दिस वी टेक द फ्लोरल फॉर्मूला,
फ्लोरल फॉर्मूला। तो अगर फ्लोरल फॉर्मूला लोगे आप तो जैसे ये बताया कि एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होता है हर्माफेरोडाइट होगा, ठीक है, जो जैसे पेरियंथ है उसमें भी आप अगर वॉल के बेसिस पे सेपल पेटल अगर आप काउंट कर रहे हो तो जो सेपल्स हैं वो 4 to 5 नंबर में होंगी और फ्री होंगी। जो आपकी कोरोला हैं वो भी 4 to 5 नंबर में होंगी। जैसे अगर आप रेनन्कुलस में ले रहे हो तो 5-5 नंबर में होती है, डेल्फिनियम में ले रहे हो तो आपकी जो कैलिक्स है वो 5 नंबर में होती है, कोरोला 4 नंबर में होती है, ठीक है। जो एंडोशियम है आपका वो इनफाइनाइट होगा और जो गाइनोशियम है वो भी इनफाइनाइट होते हैं लेकिन सुपीरियर होंगे, ओके। अगर डेल्फिनियम में आप गाइनोशियम लोगे तो सिंगल कार्पल प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, तो आप 1 यहाँ पे इनफाइनाइट की जगह पे 1 और सुपीरियर हो जाएगा। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला, फ्लोरल फॉर्मूला फॉर द रेनन्कुलेसी फैमिली, ओके। होप यू गाइज गेट इट वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।